मंत्री बना दिया समझौता करा कि महाराज जो आपने कर दिया है उसके साथ किसी पोस्ट का अपडेट हो गया है, तो उन्होंने क्या किया अभिनंदन को रद्द कर दिया। इधर देवल सिंह राजा घूमने के लिए गए तो बताया भगवान शंकर से, महाराज आजकल आपका अभिनंदन दिखाई नहीं पड़ता है, क्या बात आपका अनुभव दिखाई नहीं पड़ रहा। बोला हाँ कहीं होगा तभी भगवान वो तो मानस मंदिर का कर दिया है, मानस मंदिर की हिम्मत है। बोला हाँ महाराज आप पता लगा रहे उषा के साथ उसका प्रेम हो गया है और उन्होंने अपने गैर को डाल दिया। इधर भगवान सतीश को जो मालूम हुआ तो भगवान सतीश ने एक पत्र लिखा, बाण सुन हमारे पुत्र को तुमने रद्द कर दिया है और बंदी बना दिया है, उसे छोड़ दे मुक्त कर दे और नहीं तो फिर युद्ध कर हमसे। प्रत्युत्तर में बाण सुन ने लिखा कि मैं अनिरुद्ध को किसी की कीमत पर छोड़ूंगा नहीं, आपको युद्ध करना है तो उसे युद्ध की तरह मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। पैदल भगवान से किसी भारी सेना लेकर के बाढ़ जो खुला अंतर किए भगवान अंदर से उनकी तैयारी है, उसकी सेना भी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी सेना है भगवान
नारद तो लोग गए तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया, आओ नारद आप आना होगा तो देख लो हमारा नायिका कोई को भगवान ने भगवान दिया लड़का को भगवान कितना लंबा चौड़ा परिवार भगवान सबका देख रेख कैसे करते हैं कि रानियों का भगवान कितने नाजुक होते हैं और कैसे भगवान प्रसन्न करते हैं और भगवान माया को कैसे कराते हैं इस बार माया भी है देवों से नारद को लगा कि भगवान तो बड़े माया भी है बड़े भोगी है ये योगी कैसे हो गए उनके मन में संदेह होने लगा नारद के मन में तो नारद बाबा शाम के समय में संध्या पूजन किया अपना भोजन किया उसके बाद शहर करके चले गए नारद बाबा प्रबोध रहे हैं चार बजे चल गए स्नान आदि करके भजन करने के लिए जब जाने लगे दिवाली में तो क्या देखते हैं भगवान श्री कृष्ण पहले से ध्यान में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण पहले से ध्यान में बैठे हुए हमारा आसन हुआ अरे हम तो भगवान को भोगी समझ रहे थे ये तो बन लोगी मैं तो सोचा था कितने बहुत पहले जा रहे हो चार बजे लेकिन भगवान तो हमसे पहले ही बैठे हुए ध्यान वास्तव में भगवान महायोगेश्वर है इस प्रकार उनके मन का भ्रम दूर होगा ब्राह्मण बोलते उठाय बाल उपस्थान दर्द्य प्रसन्न करण आत्मा तुम सर करो भगवान श्री कृष्ण प्रबोध में हो जाए अपना मुख मोड़ करके अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे उस पर भगवान का रोय अपने आप पूर्ति हो जाया करता था भगवान महायोगेश्वर थे हमारे गुरु महाराज महर्षि दयानंद ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर थे उनको कुछ करना शेष नहीं था तो दुनिया को शिक्षा देने के लिए भजन करते और कर्म करते उनको कुछ करना शेष नहीं था सामने मिलने का You know what I'm good at, I'm so
उस समय गुरुकुल में पढ़े थे भगवान श्री कृष्ण संदीप मोदी का नाम किया, बड़े तपस्वी ऋषि थे, बड़े ज्ञानी थे। प्राचीन काल में ऋषि मुनि के पास ही गृहस्थ लोग अपने बालक को ले जाते और हाथ जोड़कर कहते थे महाराज हमारे बालक को आप शिक्षा दीजिए। आजकल स्कूल में गवर्नमेंट में पढ़ाई होती है, संसारी पढ़ाई, नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए, लेकिन पहले जो पढ़ाई होती थी ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए, लौकिक और पारलौकिक दोनों पढ़ाई होती थी। आजकल जो पढ़ाई होती है लौकिक पढ़ाई, पारलौकिक नहीं, विद्या दे जाती नियम, विद्या पढ़ के लोग उद्रव होते थे, लेकिन आज विद्या पढ़ के उद्रव हो रहे हैं। आज कुमार बोलते हैं संडे हो कि मंडे, रोज खाओ अंडे, अरे कहा नंद बाबा ने माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को मांस मछली का वचन कराया, माखन खिलाया। भगवान श्रीराम की मां भी कौशल्या ने भगवान श्रीराम को अंकुर दिलाया। आज हम अपने बच्चों को क्या क्या खिला रहे हैं आप समझिए, बाबा के बच्चे संस्कारी होंगे, संस्कारी हो संस्कारी हो। एक जगह में गया तो दिल्ली की बात है, तो बाबा क्या करे, हम दुखी रहते हैं, धन दौलत की कमी तो नहीं है, सब कुछ है बाबा, लेकिन हमारा बेटा हमारी बात सुनता नहीं है, किसान पड़ गया है, बाबा दारू पीता है, दारू मांस खाता है और हमें डंडा से पीटता है। मैंने कहा भैया जब बेटा बिगड़ गया था हमको आप शिकायत करती है, बेटा को पहले संभाली दे, बेटा को पहले सत्संग दिया हमने, नहीं तो गलती तुम्हारी, आप सत्संगी होते फिर रहे, अपना बेटा बहू को सत्संगी नहीं बनाया आपने। उसका परिणाम भोग रही हो। मैंने पूछा क्या एक बात बताना, वो भाई बोलती है बाबा हमारा बेटा बोतल पीता है, बोतल बोतल बोले दारू, हमारा बेटा बाबा बोतल पीता है। मैंने कहा माता जी एक बात बताना, जब तुम्हारा बेटा छोटा था उसको बोतल का दूध पिलाती थी या फिर दूध पिलाती थी, बोलो बोले बाबा बोतले का दूध पिलाती थी, तो बोतल का दूध पिलाती थी, तुम्हारा बेटा बोतले का होगा, अपनी दूध पिलाती तब बच्चा धार्मिक होता, लेकिन बच्चे को बोतल का दूध पिलाती थी इसलिए तुम्हारा बच्चा बोतला पैदा हुआ यानी मूर्ख पैदा हुआ। माताओं को चाहिए अपने बच्चे को अपना दूध पिलाओ, बोतल का दूध नहीं अपना दूध पिलाओ। आप जो सत्संग करोगी, सत्संग करोगी, भजन करोगी, आपके अंदर जो संस्कार होगा और आपका जो अपना निजी दूध होगा उसे बच्चा का वास्तव जिस पड़ेगा, माता का गुण उसमें प्रकट होगा, तो ऐसा तो नहीं दिखा ऐसा होता है। अब भगवान श्री कृष्ण गए गुरुकुल प्रकट किए, माता पिता ने भेज दिया, अब गुरुकुल दशा प्रकार की पढ़ाई होती है, अस्त्र शस्त्र सब गुरु जी सिखाए, खेती करना, बागवानी करना, माँ के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, पिता के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, मित्र बंधु के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे धर्मपाठन करेंगे, आप कैसे समाज की रक्षा करेंगे, कैसे देश की रक्षा करेंगे, ये सब सारी शिक्षा मिलती थी गुरुकुल में। भगवान सतीश गुरुकुल में पढ़ करके महान हो गए। सुनामा जी महाराज थे वो भी गुरुकुल में साथ रहे थे। एक दिन की बात है, गुरु जी ने और गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को भेजा जंगल लकड़ी लाने के लिए, तो जंगल में देर हो जाएगी तो कुछ चना भी दे दिया था कि भूख लगेगी चना खा ले, तो सुदामा जी महाराज ने अपने पैकेट में खा लिया चना और चले गए जंगल में।
अब सुब्रमण्य तो बड़े कमजोर है, राष्ट्रपति चल सकते, तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है फिर तो मैं ही घाट पर चढ़ता हूं, मैं लकड़ी गिराता हूं तो चुना। अब भगवान श्री कृष्ण घाट पर चढ़ गए, लकड़ी गिराने लगे, आसमान में काले काले बादल गिर गए, आप देखते ही देखते बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। अब घटकों से लकड़ी ऊपर से टूटते रहे तो भगवान भी गिर गए, सुदामा जी भी गिर गए। अब सुदामा जी को लग गई भूख, सुदामा जी वही पॉकेट का चना निकाल कर भुजा, चना का भुजा निकाल कर खाने लगे। चना का भुजा खाएगा तो कटकट की आवाज होती है, तो भगवान से कृष्ण कहते हैं मित्र क्या खा रहे हो? तो नहीं नहीं कुछ नहीं खा रहा, सब्जी है ना सब्जी, दाम पर कुलाता है, दाम पर कुला रहा है कुछ खा लेगा वो। कहीं सुदामा जी ने झूठ बोल दिया, अब उनसे झूठ अपने मित्र से झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही कारण है कि सुदामा जी गरीब हो गए। मित्र सुदामा वसत है सदा अपने धाम, एक मग भोजन करे ये जगत हरि नाम, आपकी धरनी पतिव्रता रहे वेद की रीति। सुदामा जी महाराज की जो धर्म होती है परम पतिव्रता है, और सुदामा जी महाराज परम तपस्वी और संतोषी है, संतोषी ब्राह्मण है, मानने वाले नहीं है। कभी कभी सुदामा जी महाराज गुरु की बात अपने धर्म पति से सुनाते थे कि हमारे मित्र था श्री कृष्ण, वो बहुत अच्छा मित्र था मेरा, अभी वो द्वारका के राजा बन गए, लोग लोग ही नाम क्यों कहते हैं, वो बड़े दयालु है। और इधर सुदामा जी के घर में बड़ी गरीबी है, बहुत गरीबी है, लेकिन लेकिन सुदामा जी महाराज वो गरीबी का भान नहीं है। सुदामा जी की धर्मपत्नी बार बार कहती है कि महाराज घर में इतनी गरीबी है और आप मित्र इतने उदार है दयालु है, आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते। सुदामा जी महाराज इस बात को सुनी कर देते, लेकिन बार बार वो कहती थी। एक दिन सुदामा जी ने कहा ठीक है बहुत दिन हो गए अपने मित्र से मुलाकात नहीं हुई है, कुछ लेने के लिए नहीं लेने की क्या चले, बहुत दिन हो गया है कम से कम मित्र का हाथ बचा मिल जाएगा दर्शन हो जाएगा, लेकिन मैं जो जाऊंगा वहां तो कुछ संदेश लेकर भी जाना चाहिए, आप घर में तो कुछ है नहीं खाने को भी नहीं, तो पड़ोसी के घर से थोड़ा सा चावल मांगते सुशील लाला जी, आप उंगली में बांध देती है, आप सुदामा जी महाराज उस चावल को लेकर के चल देते हैं कहा द्वारकापुरी। अब द्वारकापुरी जा रहे हैं बहुत दूरी है, सुदामा जी महाराज जहां रात हो जाती है वहां कर जाते हैं, इस तरह से कई दिन हो गए सुदामा जी महाराज गंगा पहुंच गए। अब द्वारकापुरी जो भगवान का राजधानी है, भगवान महल के अंदर जाते हैं, द्वारपाल लगा हुआ है, भरदान लगा हुआ है, कहते महाराज द्वारपाल से द्वारपाल बोले कौन है आप, बोला हम श्री कृष्ण के चित्र है कर्मा मेरा चित्र है, कर्म कौन है, मैं कर्म को नहीं जानता, तो कर्म को नहीं जानते हो, अरे श्री कृष्ण भगवान, बोला अच्छा ऐसा बोलो ना श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान हमारे चित्र है और चिट्ठी लेकर तुम्हारे आया,
ये चिट्ठी उनकी तरफ पहुंचा दीजिए। अब इतना गरीब आदमी जो एक राजा का जो ही नहीं है उनके उसे मिलने में तो बड़े राजा कहां जाते जाते, लेकिन गरीब व्यक्ति की चिट्ठी है पहुंचने में समय लगेगा, नहीं पहुंचाना है। एक दिन याद आ गई कहे वो जो ब्राह्मण देवता है उनकी चिट्ठी तो रखी हुई है, वो भगवान के हाथ में दे देते हैं। अब भगवान से किस चिट्ठी को पढ़ते हैं, पढ़ करके भगवान अपने रानियों से कहते हैं देखो हमारा अभी तो सुदामा आया है तो पोते निकल के चलो उसे अचरक उठाए, कठौते में जल ले करके रुक्मिणी जी और अंतिम की देवरानिया को वहां चलती है। फिर भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से गले गले मिल जाते हैं, उनका चरण पकड़ा जाता है। सुदामा जी महाराज के कपड़े फटे पुराने हैं, बहुत दूर से चल करके आए हैं, पैदल थक गए हैं, भगवान सबसे पहले उनको स्नान करवाते हैं, नए अवश्य लगाते हैं, भोजन करवाते हैं, तब भगवान हाल समाचार पूछते हैं। लेकिन एक बार ज्यादा है संस्कृति हमारी, हमारे घर जब कोई अतिथि आ जाए तो पहले मेरे कुछ अतिथि से मिलने के लिए आए, हम उसी से पूछ देते हमारा अतिथि से मिलना है क्या काम है, पहली बात नहीं पूछना चाहिए। घर में कोई अतिथि आ जाए मेहमान आ जाए तो सबसे पहले उनको पानी पिलाइए, उनको बैठने की आसन दीजिए, उनसे मधुर बात कीजिए, आपका कहानी का परिचय क्या है, तब पूछिए। आप पहले ये नहीं पूछिए कि आप किस प्रयोजन से आए, अतिथि देवो भव, अतिथि का मतलब क्या होता है, इसकी कोई तिथि नहीं है, उसी को अतिथि कहते हैं। बहुत तरह के यज्ञ बताया गया हमारे घर घर तो हम लोग गृहस्थ में रहते हैं, बहुत तरह का काम धंधा करते हैं तो बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा तो बढ़ जाता है, काम लगाते हैं तो बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा बढ़ता है, भोजन बनाते हैं लकड़ी से कोयला से तो कीट पतंग जल से जल बढ़ जाता है, उससे भी पाप होता है, रास्ते में चलते हैं तो कीड़ा मकोड़ा बढ़ जाता है, किसान खेती काम करता है तो कीड़ा मकोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए हमने विष्णु ने पांच महीने की यज्ञ बताया, भूत यज्ञ बताया, बहुत तरह के यज्ञ है, उसमें यज्ञ करने से प्रायश्चित होता है, हमारे पापों का नाश होता है, माता कहते भोजन बनाती है तो अग्नि देव को दे देती है ना, चूल्हा को चावल बनाती है क्या करती है अग्नि देव को तो देते हैं, हम लोग आहुति देते हैं, वो अग्नाय स्वाहा, ब्रह्माय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, बोलते ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, बोलते हैं स्वाहा, बोलते क्या स्वाहा, आहुति का स्वाहा कर रहे हैं, आहुति क्या देते हैं तुम लकड़ी और क्या करते हैं जो किम मिला करते क्या करते हैं अग्नाय स्वाहा, तो अग्नि ने स्वाहा